पास में देखो एकदम सामने दिख रहा है ना प्रवेश द्वार, बस हम जस्ट दस कदम का फासला है हमारे बीच में, तो हम बस पहुंचने वाले हैं। थोड़ी भीड़ लगी हुई देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, और पीछे भी हमारे भीड़ लगी हुई है। तो हम एकदम सही टाइम पे आ गए, सुबह निकले थे तो हम एकदम सही टाइम पे आ गए थे। अगर सुबह निकले थे, अगर हम आते 10 बजे, वो धूप में खड़ा होना पड़ता बहुत ज़्यादा। पीछे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से मैं भीड़ होती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो उसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। वो देखो कितना क्यूट सा बच्चा है। तो देखो छोटा सा बच्चा हमारी वीडियो में आ रहा है और हमें देख रहा है बार बार, अपनी मम्मी को खोज रहा है अपनी मम्मी को। तो देखो दोस्तों हम एकदम निकट पहुंच चुके हैं माता शाकुंभरी के प्रवेश द्वार पर। तो अब हम सीढ़ियाँ चढ़ने वाले हैं, और ये शेर जी हैं जो उनकी रखवाली करते हैं, और ये पिंजरे में बंद कर रखे हैं। तो उधर भी है मेरे ख्याल से, हाँ ऐसी देखो उधर भी बना रखा है, वो दिख रहा होगा सामने, देखो दो हैं प्रवेश द्वार, वो माता की रक्षा के लिए होते हैं। तो देखो भाई इतनी भी देखो दोस्तों, ये माता की झाले बनाई है और यहाँ पे पंखे लगे हैं, और आगे कुछ हम सीढ़ियों पे चढ़ गए और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर भीड़ हो रही है। तो देखो पीछे हम यहाँ से यहाँ तक चढ़ के आ गए, और पीछे देखना कुछ इस प्रकार से भीड़ हो रही है। मेरे थोड़ा कैमरे की वजह से साफ नहीं आ रहा है। तो कुछ सबके नाम लिखे हुए हैं जो मतलब कि यहाँ पर विशाल दीप बारी अध्यक्ष हैं, और यहाँ माता की फ़ोटो लगी हुई है यहाँ पर। तो ये सभी के नाम हैं यहाँ पर जो मतलब कि यहाँ पर काम करते हैं। चमचम आ रही है यहाँ पर, किस तरह फूल के डिजाइन बने हुए हैं। हम भी चले जा रहे हैं आगे की तरफ। तो देखो गाइस कितना बड़ा घंटा रखा हुआ है यहाँ पर, तो बहुत बड़ी घंटी है। तो देख सकते हो कि नवरात्रों में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर भीड़ लग जाती है। तो जब भी नवरात्रे आते हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा रौनक हो जाती है, बहुत ज़्यादा। देखो वो द्वार था बाहर निकले, वो बंद कर दिया गया अभी। यहाँ पर वीडियो बनाना सख्त मना है, जैसा कि देखो लगा हुआ है वहाँ पर, ऊपर भी हम चोरी छुपे बना रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं उसकी मेहनत करके। सॉरी दोस्तों, मैं आपको शाकुंभरी माता के दर्शन नहीं करा पाया, क्योंकि वहाँ पर भाई ने मना कर दिया था कि आप फोटो यहाँ पर नहीं खींच सकते, उसके लिए सॉरी। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको शाकुंभरी माता के दर्शन करा सकूँ। तो एक बार देखते हैं कोशिश करने में, कोशिश करके मैं आपको वीडियो में आपको दर्शन कराऊँगा माता शाकुंभरी के। तो चलिए देखते हैं एक बार, कोशिश करूँगा, वादा नहीं करता। दोस्तों हम घंटा बजा रहे इतना बड़ा, ये आरती के टाइम बजता है। आ रहा हूँ आपको दूर से, तो देखिए कि माता देखी होगी आपको, तो दर्शन हो गए होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपको दर्शन हो गए होंगे माता के, तो मैं कोशिश तो पूरी की है, पर जस्ट जितना दिखा मैंने उतना ही आपको दिखा पाया। तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों इन बच्चे के यहाँ पर बाल उतारे जा रहे हैं यहाँ। तो यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए मना किया गया, फिर भी मैं आपको पूरा एक बार व्यू दिखा देता हूँ यहाँ का कैसा है। अगर मोबाइल मेरा छीन भी सकते हैं यहाँ पर, तो एक बार व्यू दिखा देता हूँ दोस्तों। कुछ व्यू इस प्रकार का है यहाँ पर, छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं, और ये माता शाकुंभरी का है, तो देख सकते हैं। तो दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हो कि हम इस वक्त बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, और देख सकते हो यहाँ से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं पीछे, और यहाँ से तो इस बार यहाँ पर शाकुंभरी में जो नदी होती है वहाँ पर अभी पानी चल रहा है, और यहाँ पे बहुत सारी बजरी बजरी ही पड़ी हुई है। तो हम चल रहे हैं
हमको हम आपको इसलिए यहाँ पर लेकर आए हैं और दिखा रहे हैं अपनी वीडियो कि आप घर बैठे, जो व्यक्ति नहीं जा सकते वो घर बैठे यहाँ पर हमारे साथ लुत्फ उठा सकते हैं हमारी वीडियो में। तो गाइस, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, हम इतनी मेहनत करके यह वीडियो लेकर आपके लिए आते हैं, तो हम मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए। आप हमें देख पाओ और हमारे जो व्यूज़ हैं, जो हम कवर करते हैं, तो वो आप देख पाओ। इसीलिए हम जगह जगह जाकर जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो कि इस साल पानी यहाँ पर नहीं, तो यहाँ से हर साल पानी जाता रहता है। सर्दियों में तो अधिकतर मिलता ही मिलता है यहाँ पर पानी। और चल रहे हम आगे की तरफ, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पर कुछ पहाड़ भी इस प्रकार हैं, दिखा देता हूँ। मेरे पीछे देख सकते हो कुछ पहाड़ी पहाड़ दिख रहे होंगे आपको चारों तरफ। ये देखो यहाँ पर, ये देखो बरगद का पेड़ है सामने, दिख रहा होगा एकदम नवे नवे पत्ते आ गए इसके। तो जैसे गाइस आप देख रहे हो कि यहाँ पर हम पीछे, वो आपको मंदिर दिख रहा है ना सामने, तो वहाँ पर हम होके आ चुके हैं। तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था तो इस वजह से वहाँ पर हम वीडियो नहीं बना पाए। तो अब हम वापस आ रहे हैं रिटर्न होके, तो अब हम जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको, ये देखो मेरे पीछे व्यूज़ कितना बढ़िया, ओ तेरी देखो कितना पीछे पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं। तो गाइस आपको एकदम मज़ा आ गया होगा मेरी वीडियो देख के। देखो मुझे तो यहाँ पर आके मज़ा आया, तो आपको देख के कितना मज़ा आ रहा होगा। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं इस वक्त मनसा देवी के द्वार पे खड़ा हूँ, जो कि मैं यहाँ से दर्शन करके आ चुका हूँ। और अंदर जैसा कि मैं बताया जा रहा है कि यहाँ पर फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है मंदिर में किसी में भी, तो इसीलिए मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ और जो कि दर्शन करा रहा हूँ। तो आप यहाँ से मेरी वीडियो में माथा टेक सकते हैं। तो कुछ व्यूज़ इस प्रकार का है, मैं नीचे का एक बार व्यू दिखाता हूँ आपको। तो देखो दोस्तों, कुछ व्यूज़ इस प्रकार का है यहाँ से, मनसा देवी की जो चढ़ाई मैंने ऊपर से की थी, तो कुछ व्यूज़ और पहाड़ कुछ इस प्रकार से हैं। तो बताना आपको कैसा लगा कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, अब हम अपने घर जा रहे हैं। तो ये रास्ते का व्यू है, देखो लिखा है राम बाबू की जो ज्वेलर्स है मेरे ख्याल से कुछ ऐसी। तो अब हम अपने घर जा रहे हैं, तो देख सकते हो रास्ते में व्यूज़ कुछ इस प्रकार से है। और हम घर पहुंचेंगे तो शायद वीडियो ना बना पाए, तो इसलिए आपको